वह बजा जा चुका है। ठीक है सर, कौन सा वाक्य है? पूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या आसन्न और पूर्ण भूतकाल, ऐसे था। राम अभी सोएगा, कृतवाच कर्मवाच बताना था, तिल का ताड़ बनाना, परोच का विलोम पूछा था, चमड़ी जाए पर दबड़ी न जाए, इसका लोकोक्तियों का अर्थ पूछा है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, सोरठा के द्वितीय और चतुस्वर में कितनी मात्राएं होती है ना, अलंकार के किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, भाग शब्द का अनिकार्थी शब्द पूछा था, है ना। एक आपके पास शीर्षक आया था, वो था भारतीय लेखक की दुर्दशा के बारे में, इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे, है ना। और भी हिंदी के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि भारत का भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वही, तो उसका था गद्यांश का था। मानसरोवर रचनाओं का संकलन है, ये थोड़ा सा साहित्य का क्वेश्चन है ना। मीराबाई किसकी शिष्या थी, ये साहित्य का क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन है साहित्य का, मुझे एक ही और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है, कौन सी बोली, है ना, राजस्थानी, बांगड़ू, भोजपुरी, अवधि, ये सब आए थे। ये 3 क्वेश्चन मुझे दिखा साहित्य का। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना था। समुद्र का पर्यायवाची पूछा है, कौन सा इसमें से है, 4 ऑप्शन थे। मेघ और मेद का सुटिसम भिन्नार्थक शब्द का कौन सा इसमें है, वो पूछा था। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश का नृत्य, अभिनेत्री, नायिका, गायिका, है ना, इस तरह से क्वेश्चन था। मैथ की अगर मैं करूँ तो देखो, सबसे पहले पुलिस प्रशासन से तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे, है ना, तगड़े, मतलब आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे आप टाइम ही खत्म हो जाएगा, 10 से 15 क्वेश्चन को परेशानी। मैं आपसे ये कहूँगा कि क्वेश्चंस को आप मत खराब नहीं करना, है ना, पहले जो आएंगे वो कर लेना। अटेम्प्ट थोड़े से बच्चों के कम रहे हैं, मैंने पूछा कुछ लोगों से, अटेम्प्ट कम गए हैं स्क्रिप्ट में। कुछ अगर मैं जीके के क्वेश्चंस की बात करूँ तो जैसे महासम्भव के लेखक की साहित्य कृति है कौन सी, है ना, विश्व पुस्तक दिवस के बारे में पूछा था। उसके किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुला कहा जाता है। जनसंख्या संगठन का चप्पा कौन सा, नालको, आपका वो पूछा, नालको पंजीकृत कार्यालय में स्थान पे है, है ना। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है, WHO का मुख्यालय पूछा था, है ना, ये है। और ये क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, है ना, एक मिनट। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित किस के लिए प्रसिद्ध है, भदोही मतलब किस बुनाई के लिए, तो कालीन होगा शायद। निम्नलिखित कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है, यूपी का वृक्ष पूछा था, ठीक है, राष्ट्रीय वृक्ष। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा था, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ और कौन थे जिन्होंने उसको बनाने में सहयोग दी थी, है ना, ये सब चीजें हैं। मस्तली ये पूछा था, अकबर का मकबरा पूछा है, कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जो नृत्य है जो धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है, ये पूछा था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे बंद वचन या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित क्या कहा जाता है, यूपी SSF का पूरा नाम पूछा था। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित राज्य का एक पहला, उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को और किस नाम से जाना जाता है, तो नोट बैन, है ना, यही है। और कौन सा GST के लिए सही नहीं है, तो GST के लिए 4 ऑप्शन सही थे, पूछा था जिनमें से कौन सा सही नहीं है, 3 ऑप्शन सही था उसमें। एक क्वेश्चन पूछा है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का जो प्रयास करता है उसको क्या बोलते हैं, तो फिशिंग और चीटिंग ऐसे कुछ ऑप्शन थे, लॉजिंग थे, सोर्सिंग थे, इस तरह के कुछ ऑप्शन थे। टका किस देश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की, ये सब चीजें थी, है ना। और भी क्वेश्चन में पूरा पढ़ ही देता हूँ, बाकी मैथ रीजनिंग के लिए मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे, आप इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इसका PDF मैं अभी यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये देखो पेपर है। बाकी पूछा था कि इनमें से कौन सा एक पुरस्कार है जो दूध उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, अर्जुन और राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार, तो मुझे लगता है डी वाला होना चाहिए इसमें। आप लोग भी कमेंट करके बताना इन सबके क्वेश्चन का आंसर, प्लीज कमेंट करना, और वीडियो को रोक रोक के एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखना क्या मैं बोल रहा हूँ। कच्छ बंदरगाह गुजरात के, मतलब कौन सा बंदरगाह जो कच्छ में गुजरात में स्थित है, वो पूछा था, तो है ना। और NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला किस कहाँ पे रखी गई है, किस, है ना, वो पूछा गया है, गांधीनगर, जयपुर, बेंगलुरु, आणंद, ये इस तरह के कुछ ऑप्शन थे। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता संबंधों को मंजूरी दी है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस मकबरा किस स्थान पर पहुंचा है ना। निम्नलिखित कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक था, खान अब्दुल गफ्फार का, इस तरह के कुछ ऑप्शन। तो ये ओवरऑल पेपर था, है ना, मैंने आपको दिखा दिया, और मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि पेपर को अच्छे से अटेंड करना और उसमें टाइम को अच्छे से मैनेज करना, है ना। हो सकता हो कुछ बच्चों के घर पे 220 230 नंबर भी आ रहे होंगे, यहाँ पे शायद उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी,
दिक्कत होने का कारण ये रहेगा कि आपको यहाँ पे टाइम का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि कोई अरेंज नहीं कर रहे ना, वहाँ के इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम करवाते हैं ना उनके पास घड़ी रहती है ना, आपकी क्लास में घड़ी लगी रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। इस चीज़ को आप थोड़ा मैनेज करना और पेपर को सही स्पीड में अटेम्प्ट करना, जो आएगा पहले उसको करना और गोला भरते रहना है ना, वेट मत करना। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इसको मैं डालता हूँ। बाकी आप एनालिसिस मेरा कैसा लगा आप जरूर बताना, कम से कम समय में आपको पूरा पेपर में बताने का प्रयास किया। बाकी फिर वही कह रहा हूँ, मैं तो रीडिंग के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा है ना, और मैं आपको इसका पीडीएफ डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। और रीजनिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, रीजनिंग में आप फंसना मत, मैथ आप अच्छे से कर ले जाओगे, बाकी हिंदी और जीएस ठीक ठाक आई थी, आसान आई थी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ग्रेट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ये आपके लाइक से ये लगेगा कि हाँ भाई आपके लिए कुछ किया है, तो आपने उसको प्रोत्साहन दिया है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, ग्रेट डे।